हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टेज गियर्स। स्टेज गियर्स में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस, आज हम लोग सीखेंगे मिनी पर्ल 1024 डीएमएक्स कंट्रोलर में रनिंग एलईडी पार्ट चेस कैसे सेट किया जाता है और उसको हम थ्री वे और टू वे दोनों मोड में करके देखेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि उसका स्पीड कैसे सेट किया जाता है और उसका क्रॉस सेक्शन को कैसे करेक्ट किया जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे आने वाले अपकमिंग ट्यूटोरियल्स वीडियो का अपडेट आप लोग को मिलता रहे। तो गाइस, इस बोर्ड में रनिंग एलईडी पार चेस सेट करने के लिए सबसे पहले आपको तीनों एलईडी पार में इंडिविजुअल डीएमएक्स एडेक सेटअप करना पड़ेगा। उसके लिए मैंने ये वाला एलईडी पार में सेट किया है D001। नेक्स्ट एलईडी पार में मैंने सेट किया है D009 और लास्ट वाला एलईडी पार में, मतलब थर्ड एलईडी पार में मैंने सेट किया है D0017, मतलब 17। तो ये तीनों एलईडी पार को इंडिविजुअल डीएमएक्स एड्रेस मैंने सेट कर दिया है। नेक्स्ट आ जाते हैं मेन बोर्ड में। सबसे पहले ये तीनों ग्रैंड मास्टर्स को फुल कर लीजिए। नेक्स्ट आप यहाँ पर देखिए, अभी ये शो मोड में है, उसको आप प्रो मोड में सेट कर लीजिए। उसके बाद हमको करना पड़ेगा पैचिंग। सो पैचिंग के लिए पैच प्रेस कीजिए, डिमर पैच, ओके। लाइन ए आउटपुट, मैंने ए से ही आउटपुट लिया हुआ है। तब ये पूछ रहा है DMX1 कौन सा फेडर में सेट होगा, तो मैं सेट कर रहा हूँ फर्स्ट एलईडी पार के लिए 1 to 8। देखिए 1 से 8 मेरा सेट हो गया। अभी नेक्स्ट एलईडी पार के लिए ये पूछ रहा है DMX9 से व्हील कौन सा सेट हो, तो मैं 9 to 16 सेट कर रहा हूँ। देखिए 9 to 16 सेट हो गया। अब आ जाते हैं थर्ड वाले एलईडी पार को पैच करने के लिए। फिक्सर पेज 2 1 to 8, ओके। देखिए मेरा तीनों एलईडी पार कैंस पैच हो चुका है। तो अभी पैच से निकल आइए, आके एक बार आप इस बोर्ड को रिफ्रेश कर लीजिए। नेक्स्ट मैं एक बार चेक कर लूँ पैचिंग सही से हुआ है कि नहीं। तो देखिए ये वाला एलईडी पार को देखिए परफेक्टली पैच्ड। नेक्स्ट D009 देखिए परफेक्टली पैच्ड। नेक्स्ट पेज में डिमर, चलिए परफेक्टली पैच्ड, ओके। अब एक बार बोर्ड को मैं और एक बार क्लीन कर लेके इसको आउट कर दे रहा हूँ। अभी आता हूँ मेन चेस पार्ट में। चलिए उसके लिए आप प्रेस कीजिए चेस। अभी ये पूछ रहा है कि आप कौन सा फेडर में ये जो रनिंग चेज आप सेट करोगे वो सेट करना चाहते हो, तो मैं इसमें सेट कर रहा हूँ प्लेबैक सेक्शन 1 में, ओके। अभी ये पूछ रहा है कि कौन सा सीन है रिकॉर्ड करें, तो सबसे पहले फर्स्ट सीन में क्रिएट कर रहा हूँ, D001 को ऑन करता हूँ। सॉरी ये तो नेक्स्ट पेज में है, तो D0017 ऑन हो रहा है। देखिए अभी आ गया हूँ, अभी ये वाला होगा। देखिए चलिए ऑन हो गया, ओके। इस ऑप्शन में रह के देखिए, ये फर्स्ट वाला मेरा ऑन है, सेकंड थर्ड ऑफ है। ये कंडीशन में आप प्रेस कीजिए रिकॉर्ड, उसके बाद रिकॉर्ड एज फाइनल स्टेप। और याद रखिएगा ये रिकॉर्ड बाय चैनल ही होना चाहिए। अगर ये रिकॉर्ड बाय फिक्सर रहेगा तो ये प्रोग्रामिंग नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैं भी चैनल के अंदर में प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ, नॉट एज अ फिक्सर, ओके। तो रिकॉर्ड एज फाइनल स्टेप ऑन रिकॉर्ड बाय चैनल। चलिए देखिए ये वाला बटन ऑन हो गया, तो सीन 1 ऑलरेडी सेव्ड। फिर इसको मैं डाउन करता हूँ। नेक्स्ट सेकेंड एलईडी पार को मैं ऑन करता हूँ। ये कंडीशन में फिर रिकॉर्ड, ओके। देन रिकॉर्ड एज फाइनल स्टेप, ओके। देखिए सेकेंड रिकॉर्ड भी हो गया सीन। फिर इसको मैं डाउन कर देता हूँ, आ जाता हूँ नेक्स्ट पेज में। नेक्स्ट पेज में मेन डिमर RGB, ओके। फिर रिकॉर्ड, ओके। देन रिकॉर्ड एज फाइनल स्टेप D। देखिए तीनों मेरा सीन सेव हो चुका है। इसके बाद आप जस्ट यहाँ से एग्जिट कर दिया। फिर एक बार आप बोर्ड को
रिफ्रेश कर लीजिए और ये फेडर्स को डाउन कर लीजिए। अभी देखिए मैं ये वाले प्लेबैक फेडर में ये रनिंग चेस सेट किया था, तो देखिए अभी मैं इसको ऑन कर रहा हूँ, 1 2 3 देन 1 2 3। अगर इसका क्रॉस में अगर कम करना चाहो तो देखिए बी से क्रॉस कम होगा, तो मैं इसको क्रॉस को कम करता हूँ तो आपको डिफरेंस एकदम परफेक्ट दिखेगा। अभी देखिए, और अगर इसका स्पीड आपको सेट करना है तो आप यहाँ से सेट कर सकते हो, देखिए। लेकिन एक चीज़, आप जब भी इस फेडर को डाउन करके फिर आप करेंगे, देखिए आपका पुराना जो मेन सेक्शन में आ जा रहा है, तो इसको सेट करने के लिए आप सबसे पहले आपको जैसा प्रोग्रामिंग चाहिए वैसा आप सेट कर लीजिए। तो मैं ये स्पीड सेट कर रहा हूँ। नेक्स्ट आप जाइए पैरामीटर्स में और यहाँ पर कर दीजिए ये फर्स्ट ऑप्शन सेफ स्पीड, देन यहाँ से निकल जाइए। देखिए अभी मैं चेक ऑन कर रहा हूँ तो देखिए वही वाला स्पीड आ रहा है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट और एक ठो प्रोग्रामिंग करके आपको दिखाता हूँ। सो फिर से हम लोग प्रेस करेंगे चेस, तो मैं सेकंड वाला फेडर में चेस को सेट कर रहा हूँ, रनिंग चेस को। अभी ये पूछ रहा है रिकॉर्ड स्क्रीन सेट करने के लिए, तो मैं फिक्सर वन में जाता हूँ, डीमर, सॉरी, हाँ आ गया रेड। तो मैं पहले मैं रेड सेट करता हूँ, तो इसके लिए रिकॉर्ड, देन रिकॉर्ड एज फाइनल स्टेप, देखिए सीन सेट हो गया। देन इसको ऑफ करता हूँ, D009 को ग्रीन सेट करता हूँ। ओके, देन रिकॉर्ड एज फाइनल स्टेप, उसके बाद इसको डाउन करके नेक्स्ट फिक्सर जो है D0017, उसका मेन ये मेन डिमर, उसको ब्लू। ओके, फिर रिकॉर्ड, देन रिकॉर्ड एज फाइनल स्टेप। देखिए तीनों प्रोग्रामिंग मेरा हो चुका है, देन आप चेस को एग्जिट कर जाइए और एक बार आप बोर्ड को क्लीन कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट R G B, ठीक है। इसका स्पीड सेट करने के लिए इसके आप कर सकते हो, और इसका क्रॉस सेट करने के लिए आप यहाँ से क्रॉस भी सेट कर सकते हो। फिर आपको जैसा चाहिए आप वैसा सेट करके पैरामीटर्स में जाके सेव पैरामीटर्स कर दीजिए। देखिए अभी देखिए, और एक चीज़, आप चाहो तो इस प्रोग्रामिंग को आप पॉज भी कर सकते हो। देखिए यहाँ पर एक ठो बटन है पॉज, देखिए सीन वन में पॉज हो गया। फिर अगर आपको गो करना है तो आप कीजिए गो प्लस, देखिए फिर आप दूसरा कोई सेक्शन में भी जाके इसका आप इसको पॉज कर सकते हो, फिर गो प्लस। और अगर आपको रिटर्न रनिंग करना है तो आप जस्ट प्रेस कीजिए गो माइनस, देखिए अब ये उल्टा चेस काम कर रहा है। ओके, देन आप प्रेस कर दीजिए गो प्लस एज इट इज, जैसा था वैसा हो गया। तो चलिए और एक टू वे प्रोग्रामिंग में आपको करके दिखाता हूँ दो एलईडी पार के साथ। ओके, तो उसके लिए हमको सिर्फ दो ही एलईडी पार को प्रोग्रामिंग करना पड़ेगा, मतलब दो डीएमएक्स एड्रेस सेट करना पड़ेगा। तो मैंने सेट किया है D001 एंड नेक्स्ट D009, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आता हूँ चेज में, चेज तो ये थर्ड में मैं ये सेट कर रहा हूँ। तो अभी ये पूछ रहा है सीन सेट करने के लिए, तो मैं यहाँ पर मेन डीमर, फर्स्ट एलईडी ऑन किया। ओके, अब इसको मैं रिकॉर्ड कर दे रहा हूँ, रिकॉर्ड एज फाइनल स्टेप। ओके चलिए देखिए डन, ये इंडिकेटर जल गया, मतलब आपका प्रोग्रामिंग चेस का जो प्रोग्राम है वो सेट हो चुका है फर्स्ट प्रोग्रामिंग। देन इसको डाउन कर देता हूँ, नेक्स्ट D009 वाला एलईडी पर उसको भी
ऑन किया, देन रिकॉर्ड, एंड उसके बाद रिकॉर्ड एज फाइनल स्टेप। देखिए थ्योरी यही है कि फर्स्ट सीन में मैंने इसको ऑन किया, सेकंड सीन में मैंने इसको ऑन किया, ऐसे करके मैं चेस सेट कर लूँ, इसीलिए 1 2 1 2 ऐसे होता रह रहा है। देन रिकॉर्ड एज फाइनल स्टेप, ओके। देखिए दोनों प्रोग्रामिंग हो चुका है, उसके बाद चेस से आप एग्जिट कर जाइए और एक बार आप बोर्ड को क्लीन कर लीजिए। देन देखिए 1 2 1 2, ठीक है, इसका क्रॉस थोड़ा कम कर देता हूँ ताकि आपको सही से समझ में आए। ओके, अगर इसका स्पीड सेट करना है तो आप ऐसे सेट कर सकते हो, आपको और स्पीड ज़्यादा चाहिए तो देखिए करीबन स्टॉप, इसको अगर आप स्लो करते हो तो ऐसे भी आप स्लो कर सकते हो, लेकिन आपको जो स्पीड चाहिए आप वो स्पीड में सेट करके जस्ट आप कर दीजिए पैरामीटर्स, देन सेव स्पीड। ओके, देखिए अब एग्जिट करता हूँ, देखिए प्रोग्राम सेट। तो गाइस आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो का नीचे जो लाइक वाला बटन है उसको प्रेस कर दीजिएगा। तो गाइस अभी चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।